Initiating satellite scan. Camera deployed. Link established. हिंद महासागर में आया हिंदुस्तान का जलजला। 4 फरवरी 2010 हिंद महासागर की छाती पर हिंदुस्तान गरजा, और वो भी अकेले नहीं, पूरे 12 दोस्त देशों के साथ। ये देखिए उनकी ताकत, 12 देशों की हिंद महासागर का सीना चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। इस मिशन पर हिंदुस्तान के साथ हर वो देश शामिल हुआ जिसे चीन के प्लान हिंद महासागर के बारे में पता है। समुद्र में भारत और उसके मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए अंडमान में मिलन नेवल एक्सरसाइज की गई। दरअसल चीन हिंद महासागर में एक खुफिया प्लान बना रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान ने हिंद महासागर के आसमान पर लहरा दिया अपना तिरंगा। अगर दुश्मन ने भारत की ओर बुरी नजर डालने की जरूरत भी की तो ये कमांडोज उनकी आंखें फोड़ देंगे। ये मार्कोज हैं, यानी कि भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज। पहले चेतक हेलीकॉप्टर ने फास्ट सेलिंग जेमिनी बोट को समुद्र में फेंका, उसके बाद स्टरिंग ऑपरेशन के दौरान मार्कोस समुद्र में रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर तेजी के साथ दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचे। वहां उन्होंने बम लगाया और तुरंत सुरक्षित जगह पहुंच गए, और उसके बाद दुश्मन का नामो निशान मिट गया। इस मिलन 2010 में भारत समेत 9 देशों की 12 युद्ध पोतक हिस्सा ले रहे हैं, जो 3 डिविजन्स में एक फॉर्मेशन बनाएंगे, जिससे नौसेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी की कोऑर्डिनेशन की पूरी जांच होगी। दक्षिण पूर्व एशिया के 12 देशों की नौसेनाओं की ये 7वीं एक्सरसाइज है। ये सब हुआ अंडमान और निकोबार कमांड में, जिसे देश की सुरक्षा के लिए 2001 में बनाया गया था। ये नौसेना, वायुसेना, थलसेना और कोस्ट गार्ड की मिलीजुली सर्विस कमांड है। यही वजह है कि नौसेना की एक्सरसाइज के दौरान भारत की शान सुखोई आसमान में गरज रहा है। भारत के साथ इन देशों के जुड़ने की एक खास वजह है, और वो वजह है कि चीन के 80% समुद्री जहाज अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए गुजरते हैं। ऐसे में भारत जब चाहे अंडमान के समुद्र में अपने जहाजों का जखीरा खड़ा कर सकता है, और चीन के समुद्री जहाजों को जब चाहे तब रोक सकता है। यही वजह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का आयरन कर्टन, यानी कि लोहे का पर्दा भी कहा जाता है। इंडिया भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और साउथ ईस्ट एशियन नेवी के तौर पे है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एज अ लाइफ इंश्योरेंस अगेंस्ट चाइनीज की जो है इंक्रोचमेंट जो है इस इलाके में, तो उसको उसके लिए ये मिलन की महत्वता और बढ़ जाती है। भारत का मिलन चीनी ड्रैगन का डर बन सकता है। कहते हैं कि उंगलियां अगर मुट्ठी बन जाए तो दुश्मन की हार पक्की है। एक्सरसाइज का मुख्य मुद्दा है कि हम कैसे सभी नौसेनाएं मिलके एक साथ मैन मेड डिजास्टर के समय कोई रिलीफ अगर देना हो तो किस तरह से हम लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। ये मैन मेड डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, कोई रॉक एलिमेंट हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सभी देशों की नौसेनाएं मिलके जो इस मिलन 2010 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाग ले रही हैं, वो इस तरह के एक्सरसाइज सीखें और आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाएं।